पेयजल संकट से परेशान वार्ड 11 के लोगों ने पीएचईडी कार्यालय के बाहर ढोलक व सितार से भजन कीर्तन कर जलदाय विभाग के अफसरों को जगाने का अनूठा प्रयास किया। वार्ड क्षेत्र की महिलाओं ने बताया कि लंबे समय से उनके क्षेत्र में पानी का संकट है, मजबूरी में इतनी गर्मी में आना पड़ा है, कोई उनकी सुध ले लेगा, इसलिए ये तरीका अपनाया है। महिलाओं ने 4 से 5 भजन गाए, भजन भी गर्मी, पानी और परेशानी को जोड़ते हुए बनाए गए। करीब 50 से अधिक महिलाओं ने दोपहर के समय इस समय भजन गाकर सरकार व अफसरों को गहरी नींद से जगाया। सब अमीन खेलाए पानी के लिए, 11 वार्ड के लिए वो बोरिंग हुई थी तो वो दूसरा वार्ड में कैसे जुड़ेगी, तो इसलिए आया हम यहाँ। वही अनुखे हम यहाँ जोड़ के ही रहेंगे। आपके वार्ड की जो मोटर है, जो पानी की सप्लाई है, वो किसी और वार्ड में देने की बात की जा रही है। हाँ, किसने कहा है ये बात? अब तो किसने कहा, तो अब उस बोरिंग से हमारे क्षेत्र में पानी की सप्लाई होती है और एक सरकारी नल लग रहा है, उससे लोग जिनके पानी नहीं पहुंचता वहाँ से पानी भर लेते हैं। कुछ दिन पहले कर्मचारी आए थे और उस लाइन से मिलान करने के लिए, लेकिन उस समय हमसे मना कर दिया। लेकिन इनका एक कर्मचारी है सतीश शर्मा, जो बार बार हमारे वार्ड में जाकर ये भ्रम फैला रहा है कि नहीं मिलान तो होके रहेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो, तो उसके लिए संतुष्टि के लिए हम सारी महिलाएं के साथ लेकर आए। राज अधिकारी ने भी हमको आश्वासन दिया कि उस बोरिंग से मिलान नहीं होगा। और एक हमारी काफ़ी दिन से मांग है कि 1.5 साल हो गया हजूरी गेट से हमारी बोरिंग सेंक्शन है, उस बोरिंग को जल्द से जल्द लगाया जाए। इस मांगों के लिए हम आज यहाँ धरना प्रदर्शन करने। पानी की मोटर के मिलान की वजह से आपको क्या नुकसान है? नुकसान ये है कि अगर वहाँ से मिलान हो जाएगा, वो क्या ढलाव में बोरिंग लग रही है, अगर उससे आधा इंच भी अगर मिलान हो गया तो सारा पानी उस क्षेत्र में चला जाएगा, हमारे क्षेत्र में पानी चढ़ेगा नहीं, ये टेक्निकल इशू है। अगर वैसा अगर बोरिंग होती तो शायद मिलान उसमें हो भी जाता, तो अगर 1-2 घंटा पानी चला जाता था तो कोई इशू नहीं था, लेकिन वो बोरिंग ऐसे उसमें लगी हुई टेक्निकल इशू है। अगर उसमें से आपने मिलान कर दिया तो हमारे क्षेत्र में पानी नहीं चढ़ पाएगा। कर्मचारी पर आपने जाकर एप्लीकेशन भी दिया है, उनका क्या कहना है कि आप कर्मचारी है, उसका क्या कहना था जिसके विरोध में आपने उसको ज्ञापन? कर्मचारी ने तो मेरे क्षेत्र में पूरे भ्रम फैलाया है सर, महिलाओं को बोला कि नहीं मिलान तो होके रहेगा, हम मिलान करेंगे, तो आज नहीं तो कल हम करेंगे, रात में करेंगे। तो उसके लिए जब हमने अधिकारी से शिकायत की तो अधिकारी ने हमसे लिखित में मांगा, तो हमने उनको उसकी शिकायत लिखित में दी है कि इस तरह से हमारे क्षेत्र में भ्रम फैला रहा है। क्या नाम है आपका? देवेंद्र रसगणिया, पार्षद वार्ड नंबर 11।